जीवन के हर क्षेत्र में खुद को जिम्मेदार समझो, ताकि एक असामान्य जिंदगी आप जी सकोगे। क्या होता है कि हम जब जीवन हमारा जीते रहते हैं, उसमें ऐसा होता है कि कुछ भी हो गया तो भी हम बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये फलाने ने किया, उसके लिए वो दोषी है, उसके लिए वो कारण है, या ऐसा हुआ क्योंकि उसको ऐसा हो गया। ऐसा हम कुछ ना कुछ डिसीजन देते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलेंगे, कुछ ना कुछ बता देंगे, मतलब हम बोलते नहीं कि मैंने किया। आप यदि इस तरह का जीवन जीते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो, बोलते कि नहीं मेरे कारण हुआ है, तो उससे क्या होगा? उससे एक बात होगी कि आपको दिखेगा कि नहीं, जीवन मैं चला रहा हूँ, मेरा जीवन किसी के हाथ में नहीं है, मेरे जीवन की बागडोर और किसी के हाथ में नहीं है, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जिम्मेवारी ले रहे हो। आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं निर्माण कर सकता हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, ये सक्सेस मेरी वजह से हुआ है और असफलता मिली है तो वो भी मेरी वजह से हुई है। लोग क्या करते हैं, अच्छा हुआ है तो बोलते मेरा क्रेडिट है, मैंने क्रेडिट लिया है, मैंने वो कॉज किया हुआ है, ऐसा बोलेंगे। और अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं, उसने किया। तो हमको आज से ये देखना है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, जैसी भी ज़िंदगी मेरी जा रही है, वो मेरे कारण हो रही है, उसके लिए कारणीभूत मैं हूँ। तो फिर आप यदि लोगों के ऊपर हाथ उठाना, लोगों के ऊपर उंगली उठाना, लोगों को जिम्मेदार पकड़ना जब आप छोड़ देंगे, तब आपको दिखेगा कि मैंने क्या करना चाहिए, अभी क्या कर सकता था, क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ कि जिससे मुझे सफलता मिलेगी। क्योंकि जब आप किसके ऊपर उंगली उठाते हैं, इसका मतलब अभी मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसने क्या हुआ है, मैं क्या करूँ, कारण तो वो है, मैं क्या करूँ, मतलब आप कुछ भी तैयार नहीं है उसका, उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए, तो फिर आपको उसमें से कुछ रास्ता दिखेगा भी नहीं। यदि आप बोलते हैं नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे कारण असफलता है, मेरे कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आपको रास्ता दिखेगा। अब ये हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसा है कि समझो रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, आपकी आपकी गाड़ी और गाड़ी टकराती है, अब वहाँ ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे मैं जिम्मेदार हूँ, लोग आपको ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वहाँ तो बोलना है नहीं, नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हमारी कुछ गलती नहीं है, उसने मारा। मन में ये बोलना है कि ये ऐसा मैंने क्या किया कि एक्सीडेंट हुआ, क्या ये एक्सीडेंट में बचा सकता था, मन की मन। पुलिस कंप्लेंट होंगी, वहाँ भी यही बोलना आपको पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। ये बाहर जिम्मेवारी लेना, ये अपने मन में, अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने विचारों में जिम्मेदारी लेना है और देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि ये जो असफलता मिली है, ये भी घटित हो रहा है, ये फिर से होगा नहीं और मुझे सफलता मिलेगी। मैं बोलूँगा मेरा जीवन ऐसा 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 जाएगा तो वैसा ही जाएगा वो जीवन। मैं बोलता हूँ कि इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, क्योंकि मैं वैसी घोषणा कर रहा हूँ कि वैसा होगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। इस तरह से आप जीवन जीना जियोगे तो एक असामान्य जिंदगी आप जी सकोगे। थैंक यू वेरी मच।